वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है हम मेरे फिटनेस सेक्शन में और फिटनेस सेक्शन में हम बात करेंगे ग्रीन टी के बारे में। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा ग्रीन टी के बेनिफिट्स, साइड इफेक्ट, किसको कंज्यूम करना चाहिए ग्रीन टी, कितने क्वांटिटी में कंज्यूम करना चाहिए, कब कंज्यूम करना चाहिए और ग्रीन टी बनाने का सही तरीका। और वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगा एक नई रेसिपी जो आपका प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाएगा और आपको मसल रिकवरी में भी हेल्प करेगा ग्रीन टी के साथ। दोस्तों, अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसके बाजू में बेल बटन है, दोनों क्लिक कर देना ताकि अगला वीडियो लोड होने पे आपको नोटिफिकेशन आएगा। एंड फ्रेंड्स, आप मुझे सोशल मीडिया पे भी ऐड कर सकते हो, मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके अलावा कुछ स्टडीज ये भी बताते हैं कि वो हमारे बॉडी में कैंसर होने से प्रिवेंट करता है, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर। सो ये मेरे फीमेल व्यूअर्स खास ध्यान दें। वैसे तो ग्रीन टी कोई भी पी सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन ड्रिंकिंग ग्रीन टी बिकॉज इट्स वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हो और या ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो तो आई वुड रेकमेंड कि आप ग्रीन टी अवॉइड करो, क्योंकि कुछ स्टडीज में ये प्रूव हुआ है कि प्रेग्नेंट वुमेन गेट्स मिसकैरेज ड्यू टू ड्रिंकिंग ग्रीन टी। सो इट्स बेटर टू अवॉइड ग्रीन टी व्हेन यू आर प्रेग्नेंट और यू आर ब्रेस्ट फीडिंग। पीना चाहिए दोस्तों, हम ये सोचते हैं कि कोई भी चीज अच्छी है तो हम उसे एक्सेस कर देते हैं, जाने अनजाने में हम सोचते हैं कि बहुत सारा ग्रीन टी पी ले, उसके हेल्थ बेनिफिट्स है तो हमें और ज्यादा फायदा होगा। लेकिन जैसे हमें पता है कोई भी चीज एक्सेस नहीं करनी चाहिए, सेम वे है ग्रीन टी के लिए भी। मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप नॉर्मली 2-3 कप्स ग्रीन टी एवरीडे पीजिए, 3 कप से ज्यादा ग्रीन टी रोज मत पीजिए। इट हैज साइड इफेक्ट्स आल्सो व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ। सो अब हम बताते हैं आपको ग्रीन टी के साइड इफेक्ट्स। ग्रीन टी में कैफीन ज्यादा होता है, ज्यादा कैफीन पीने से हमारे स्लीप पैटर्न्स डिस्टर्ब हो जाते हैं विच इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। ज्यादा कैफीन पीने से हमारा स्टमक भी अपसेट हो जाता है और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी होता है। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप ज्यादा कैफीन पियोगे तो हमारी बॉडी कैल्शियम एक्सक्रीट करती है विच इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। ग्रीन टी ज्यादा पीने से हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन भी कम होता है, आयरन लेवल्स भी कम होते हैं एंड इट डैमेजेस अवर लिवर ऑल्सो। और कैफीन ज्यादा पीने से वी गेट इररेगुलर हार्ट बीट्स विच इज ऑल्सो नॉट गुड। कभी भी खाली पेट ग्रीन टी मत पीना। खाली पेट ग्रीन टी पीने से आपको एसिडिटी और हार्ट बर्न के प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो ग्रीन टी पीना कब है? बेस्ट है कि ग्रीन टी आप किसी भी मील के 1 घंटे पहले पीजिए या मील के 1 घंटे बाद। मील के 1 घंटे पहले ग्रीन टी पीने से हमारी भूख सप्रेस हो जाती है, तो जो लोग फैट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट है मील के 1 घंटे पहले ग्रीन टी पी लीजिए। और मील के 1 घंटे बाद ग्रीन टी पीने से क्या होता है कि वो हमारे मेटाबॉलिज्म को स्ट्रेंथन करता है और वो खाना जो हम खाते हैं उसे हजम करने में, डाइजेशन में हमारी मदद करता है। सो दीज आर द बेस्ट टाइमिंग्स टू ड्रिंक ग्रीन टी। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, सोने से तुरंत पहले ग्रीन टी मत पीजिए बिकॉज ग्रीन टी हैज लॉट ऑफ कैफीन जैसे मैंने आपको बताया, और वो आपकी नींद स्लीपिंग पैटर्न्स को डिस्टर्ब कर देगी। सो ग्रीन टी सोने से तुरंत पहले मत पीजिए। डिनर के बाद जो मैंने बताया ग्रीन टी जो मील के बाद भी लेते हैं वो मत कीजिए। आप लंच में वो कर सकते हो, ब्रेकफास्ट में कर सकते हो, डिनर के 1 घंटे बाद आप ग्रीन टी मत पीना वरना आपको सोने में बहुत प्रॉब्लम्स होगी। कैसे बनाएं जिससे हम उसके बेनिफिट्स मैक्सिमाइज कर सकते हैं? सबसे पहले तो दोस्तों पानी में उबाल के ग्रीन टी को ना बनाएं, जबकि उबले हुए पानी में ग्रीन टी को इन्फ्यूज करें, वो भी सिर्फ 10 से 15 सेकंड्स, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद उसे छान के पी ले, या तो आप ग्रीन टी के डिप डिप बैग्स यूज कर सकते हैं, दोज आर ऑल्सो वेरी गुड, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ मेकिंग ग्रीन टी। वैसे तो ग्रीन टी वेट लॉस के लिए बहुत इफेक्टिव है, लेकिन वेट लॉस के साथ साथ अगर हमारे बॉडी बिल्डिंग गोल्स भी अचीव हो तो क्यों ना हम उसे यूज कर सके। आज
आज मैं आपको जो रेसिपी दिखाने वाला हूँ ग्रीन टी वाली, वो आपको बॉडी बिल्डिंग गोल्स में भी हेल्प करेगी, वो आपके प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाएगा और उससे आपका मसल रिकवरी फास्टर हो जाएगा। दोस्तों ये रेसिपी बहुत आसान है और आप घर बैठे बना सकते हो। बस पानी में अदरक बॉइल कर दीजिए, अदरक जैसे ही बॉइल होने लगा, पानी एकदम बॉइल होने लगा, उसमें आप ग्रीन टी इन्फ्यूज कर दीजिए 10 से 15 सेकेंड, ज्यादा नहीं। उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए, छान के पी लीजिए। दिस इज वेरी गुड फॉर इंप्रूविंग योर प्रोटीन सिंथेसिस। आई एम श्योर आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हमने आपको ग्रीन टी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, एंड में एक स्पेशल रेसिपी भी दी। ये सब आप अपने डेली रूटीन में यूज करना, आपको रिजल्ट जरूर आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसके बाजू में बेल बटन है, जरूर क्लिक करना ताकि अगला वीडियो लोड होने पे आपको नोटिफिकेशन आएगा। मुझे देखने के लिए शुक्रिया। विशाल आर पंचाल।